Hi guys, this is Shraddha from Roots and Charms. Today I'm talking about past life regression therapy. I know most of people don't know this process. Past life regression means आपको past में ले जाते हैं, आपके past lives में लेके जाते हैं और आपके जो भी problems है अभी present, like you have money issues, you have love issues और एनी फिजिकल इशू हेल्थ वाइज, तो आप पास्ट में जाके उसका रीज़न पता कर सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि हर चीज़ जो आज हमारे साथ हो रही है इट्स डिपेंड ऑन आर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वहाँ उस मोमेंट तक, उस इंसिडेंट तक लेके जाया जाता है बाय मेंटर। आई डोंट डू दैट, सो ना from a very very nice healer mentor you have to do this, so it's up to you। तो वहाँ जाके past life में आपको जो भी problem थी, आज अगर मुझे मनी problems थे, ठीक है, मुझे health issues भी थे काफ़ी सारे, so the process is they give you one form जिसमें आपको fill up करना पड़ता है सारे आपके life के experiences and what exactly you are feeling now and with all the sign and all, कि मैं अपनी पूरी guarantee के साथ दे रही हूँ and nobody is forcing me for this। So when it started, yeah, I was a bit scared, I wanted to know what past life regression is and what things I have something done because of this. In this life I am suffering from some problems like neck issues or neck pain issues and all that, so उसके लिए मैंने उनको पहले ही अपने problems बता दिए थे, वो मुझे past life में लेके गए by hypnotism, yeah, hypnosis process में काम करता है। अब मेरा तो लाइव सेशन था, अगर पर्सन टू पर्सन, इन पर्सन अगर हो तो आई थिंक उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, बट मेरा लाइव सेशन चालू था एंड देन मैंने अपनी तीन पास्ट लाइव्स देखी और उससे रिलेट भी किया, आज की मेरी जर्नी, आज की मेरी जो लाइफ है वो रिलेट भी किया। I had some money issues, so yeah, it was because I was queen in my last birth and the location was like Rajasthan, so but I hate poor people, I hated poor people, I mean मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते थे, मुझे एक क्या बोल सकते, एक गंदी वाली फीलिंग आती थी पुअर लोगों से। सो वहाँ पे मुझे अपना एक्स दिखा जो मुझे बहुत प्यार करता है एंड ऑल दैट, एंड फिर मैं उसको धोखा दे देती हूँ, मैं उसको क्लिफ है एक, इस पर से धक्का मार देती हूँ फॉर सम रीज़न कि मुझे नहीं गरीब लोग अच्छे लगते हैं, हाउ कैन यू लव मी एंड ऑल दैट, तो ऐसा हुआ। सो हाँ, मैंने वो किया, तो बिकॉज ऑफ दैट इस बर्थ में माय एक्स ही डजंट लाइक मी एंड ही हैज सम रिवेंज वाले फीलिंग्स विथ मी, आई डोंट नो व्हाई। सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट द आंसर एंड देन डिवाइन रियल में हम लोग मिले, मैंने उससे माफ़ी मांगी इन पर्सन एंड या I just regret for my thing and that was the horrible thing which I did, but actually जब ये process चालू थी, regression की process चालू थी, उस time पर उस जन्म में मुझे ज़रा भी guilty feel नहीं हो रहा था, I was very happy throwing him away and all that thing, which is very weird but I'm very emotional and sensitive person, but उसको ऐसे उसको मारते हुए मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, आई कुड सी हिज फेस, हिज एंटायर वेयरिंग एंड ऑल, जो जैसे धोती बनियान टाइप्स वो डालते हैं वैसे उसने डाला हुआ था,
और ही वॉज कन्फेसिंग हिज लव टू मी एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मुझे रीज़न नहीं पता चला बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई जस्ट पुश्ड हिम फ्रॉम क्लिफ एंड ही डाइड. सो वो अभी इस जन्म में ऐसा हुआ है कि ही इज़ वेरी रिच एंड आई एम इन टू माई मीडियम स्टेट. सो या ही इज़ वेरी रिच एंड ही इज़ अवॉइडिंग मी, इग्नोरिंग मी. या जब हमारी रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुई थी आफ्टर वन ईयर, यही सब होता रहा है, अवॉइडिंग, इग्नोरिंग ऑल दोज थिंग्स. सो ठीक है, उसका आंसर मुझे मिल गया. देन आई हैड दी सेकेंड दिस वीडियो इज गोना बी टू लॉन्ग. सो व्हाट शुड आई, सेकेंड एक्सपीरियंस भी बता ही देती हूँ. सेकेंड एक्सपीरियंस मुझे इस जन्म में वायलेंस एंड जो लोग एक दूसरे पर से मारते हैं एंड मैरिज फोबिया है उसका. आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज मुझे समहाउ लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं निकला तो मैं क्या करूँगी एंड ऑल दैट थिंग्स. सो मुझे मैरिज से, वायलेंस से आज भी डर लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है. सो इसके लिए आई एम नॉट मैरिड येट. सो और मैं सोच भी नहीं रही हूँ, देर इज़ नो प्लानिंग टू गेटिंग मैरिड एंड ऑल. और ये ऐसे रिलेटेड थी कि मैं गरीब घर में थी, मेरा पति भी गरीब ही था बट ही यूज़ टू ड्रिंक अ लॉट एंड व्हेनेवर ही गेट्स ड्रंक वो मुझे मारता था, बहुत मारता था बिकॉज आई वॉज अगली लुकिंग, आई वॉज नॉट लुकिंग गुड एंड ऑल. फिर उसने मुझे मार डाला एक्चुअली. जो कुआ होता है उसमें उसने मुझे धकेल दिया, मुझे मार डाला. और जब मैं गिरी तो नेक पेन मेरा हो रहा था क्योंकि नेक के साइड में मुझे बड़ा सा पत्थर लगा था. ये सारा सब कुछ मैं पास्ट लाइफ में देख रही थी और सेम टाइम आंसर्स भी दे रही थी माय मेंटर. तो ये सब कुछ हुआ. देन ओके सो आई गॉट दैट रीज़न क्यों मुझे शादी से डर लगता है, क्यों मुझे वायलेंस से डर लगता है एंड क्यों ऐसा लगता है मुझे ये पेन जो नेक पेन है मेरा बहुत ज़्यादा है वो क्यों है, तो उसका भी रीज़न मिल गया. मैं साधु थी, बनारस या ऐसा कुछ ऐसी कोई जगह थी जहाँ पे ऑरेंज कपड़े डाल के प्रॉपर आई वॉज साधु. मेरी कोई फैमिली नहीं थी, बस मैं लोगों का अच्छा करती थी और साधु जैसा ही बिहेवियर था मेरा. सो और वो तो नेचुरल डेथ थी मेरी, नॉर्मली नेचुरल डेथ हुई थी. सो ये थ्री पास्ट लाइव्स मैंने 3 घंटे में देखे, 3 घंटे लगे इस रिग्रेशन थेरेपी को. इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है समटाइम्स, बट ये तो यूजुअल टाइम से. और एंड में तो मैं खुद ही थक गई थी कि आई वॉज सो एग्जॉस्ट, आई वॉज सो टायर्ड कि मैंने अपने मेंटर से कहा कि बस हो गया, अब मुझे कुछ नहीं देखना. और हाँ, उतने टाइम में ये प्रोसेस हो गई. सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इस लाइफ से मेरे रिलेट करती हैं, इसीलिए आई हैव सो मच फेथ इन दिस पास्ट रिग्रेशन स्टोरी. अगर आपको बहुत सारे डाउट्स है इस जन्म में एंड बिलीव है, सबसे ज़्यादा बिलीव है, तो प्लीज़ गो एंड गेट दिस थेरेपी. और हाँ, जो साधु वाला पार्ट था, जो साधु में बनी थी, इस लाइफ में भी मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, बचपन से है. मैं इसी में कुछ करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ एजुकेशन नीड्स एंड ऑल दैट वो नहीं कर पाई थी. सो आज मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, अपना ड्रीम जी रही हूँ मैं. सो या मेरा वो इंक्लिनेशन क्यों था वो भी मुझे समझ में आ गया. मेरे 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर्स मिल गए. सो या आई गिव दैट पर्सन्स माय मेंटर्स लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप प्लीज़ अगर एनी बडी इज़ इंटरेस्टेड इन दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी देन प्लीज़ गो टू हर एंड डू दिस. Cost is also not very much, so you can get it done. And she is very nice and very humble person. So, yeah.
यही थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आप सच में बिलीव करते हो तो प्लीज़ यू शुड डू इट। ओके, बाय।